पारस को अकेला छोड़ दिया है, सप्राथ का डोमिसाइल कराची का, इसलिए इसके साथ नानसाथी नहीं, ये फिर ज्यादती कर रहे हैं। फिर मैं ये भी फिर मैं ये भी कह सकता हूं, क्या अगर आप ये बात करेंगे, फिर मैं ये कह सकता हूं, आप ये इफी भाई हुए, आप हुए, ये कराची वालों पे बड़ा इल्जाम है, ये कराची वाले बाबर आजम के खिलाफ रहते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस को आप लोग मानते ही नहीं है किसी तरह। तो भाई मेरी सफराज की परफॉर्मेंस तो मानो ना, उसको क्या कसूर है, उसको क्यों हटाया? यही आप मुझे एहसान मानी चोते है, सफराज को बिठा के कह रहे थे सफराज हमारा कप्तान है, आज वही चचा चिड़िया वाला बाबा ये बात कह रहा है बाबर हमारा कप्तान है। ये ओडीआई में आप सफराज को रखते नहीं है, जिसकी कारकर्दगी रिजवान से बहुत बहुत बेहतर है, रिजवान जो कल कीपिंग कर रहा था, जिस तरह रन आउट हुआ, इस तरह रन आउट, अंडर प्रेशर है रिजवान, 2020 का प्लेयर है सफराज, ओडीआई का प्लेयर है, टेस्ट मैच का प्लेयर है। आप मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कितनी नानसाफी है, उसके दिल से जो पाकिस्तान के जो भी बात की है और हम सब